मंत्र का आज पाठ करते हैं। तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से और श्वेतासवर उपनिषद से। ओम सह नाव वते सह नौ भुनक्तु सह वीरे करवापो है तेजस्विनावधि तमस्तु मा विद्विषाव है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थ है मित्रों, परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। उक्त तरह की भावना रखने वाले का मन निर्मल रहता है, निर्मल मन से निर्मल भविष्य का उदय होता है। शरीर माधम्य खलु धर्म साधनम उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है, अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है, अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। ऋग्वेद मंत्र ओम वाग्मे मानसिहि प्रतिष्ठता मनो में वाची प्रतिष्ठ तमावीरा वीरमय यधि वेदस्य म अनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीर्णेनाधीते नाहोत रात्रं संध्यात्रमित्रं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारतम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थ है मेरी वागिंद्रिय मेरे मन में स्थित हो और मन वाणी में स्थित हो, अर्थात मेरी वागिंद्रिय और मन एक दूसरे के अनुकूल रहे। हे सौ प्रकाश परमात्मन, तुम मेरे समक्ष अभिभूत हो, तुम मेरे प्रति वेद को लाओ, मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन का एक कर दूं, अर्थात मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे, मैं ऋतु का भाषण करूं और सत्य मन में निश्चय किया हुआ सत्य बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी और वक्ता की रक्षा करे, त्रिविध ताप की शांति। श्री कृष्ण यजुर्वेद मंत्र ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर करवावह तेजस्विनिधिस्मा मा विद्विषाय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परमेश्वर हम दोनों अर्थात आचार्य और शिष्य के हृदय में ब्रह्म विद्या के स्वरूप को प्रकाश करके रक्षा करें। परमेश्वर हम दोनों का विद्या के फल को प्राप्त करें। वह परमेश्वर हम दोनों की ब्रह्म विद्या कीर्ति सामर्थ को बढ़ावे। हम दोनों अतिशय करके तेजस्वी होएं। हम दोनों अर्थात आचार्य और शिष्य के हृदय में प्रमोद करके परस्पर द्वेष कभी न होवे। हम दोनों की आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक विघ्नों से शांति होवे। ओम शांति शांति शांति। सभी दर्शकों को नरेंद्र कुमार की ओर से सादर प्रणाम। मित्रों, आज शांति पाठ करने जा रहे हैं। इस शांति पाठ के तहत कृष्ण यजुर्वेद मंत्र उच्चारण करेंगे।
ओम संग नो मित्र संग वरुण संग नो भवत्र मर्मा संग न इंद्रो बृहस्पति संग नो विष्णु रुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु भक्तारम ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थ है मित्रों, प्राण वृत्ति का अभिमानी मृत संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो, अपान वृत्ति का अभिमानी वरुण संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो, चक्षु का अभिमानी आर्य मांस संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो, भुजा का अभिमानी इंद्र संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो, बुद्धि का अभिमानी बृहस्पति संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो, और चरणों का अभिमानी विष्णु देवता जिसने राजा वल्लि के यज्ञ में अपने तीन पदों से तीन लोकों का आच्छादन किया हम लोगों को सुखकारी हो। हे सूत्रात्मा वायु, तेरे को मैं नमस्कार करता हूं, आप ही प्राण रूप से सब शरीर में स्थित हैं, आपके इस रूप को मैं नमस्कार करता हूं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आपको मैं ब्रह्म कहूंगा, और शास्त्र के निश्चित अर्थ के ग्रहण के लिए मैं आपको ही निश्चयात्मक बुद्धि कहूंगा, आप ही सार रूप ब्रह्म हैं, समष्टि सूत्रात्मा वायु हैं, हे वेष्टि रूप प्राणात्मक वायु, आप मुझ विद्यार्थी की रक्षा करें और विद्या ग्रहण करने की सामर्थ्य दें, ब्रह्म रूप वायु मेरे गुरु वक्त को वक्तृत्व शक्ति दें, मुझको और मेरे आचार्य की रक्षा करें, और जो त्रिविध ताप विघ्न है उनसे हम दोनों की शांति हो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु संयम कुरु प्रज्ञाभ्यतो नः पशुभ्यः। अर्थ है मित्रों, हे परमेश्वर, आप जिस जिस देश के जगत के रचना और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं उस देश से भय से रहित करिए, अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय ना हो, वैसे ही सब दशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं उनसे भी हमको भय रहित करें, तथा हमसे उनको सुख हो और उनको हमसे भय ना हो। आपकी प्रजा में जो मनुष्य और आदि पुरुष हैं आदि हैं उन सब से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पदार्थ हैं वे सुख से सिद्ध हों। शुक्ल यजुर्वेद मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम पूर्ण है वह, पूर्ण है यह, पूर्ण से ही पूर्ण हो जाता है, पूर्ण में से पूर्ण लेकर पूर्ण ही अवशेष रह जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहे इसके लिए सौ प्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से। सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम। आज उपनिषद से लिया हुआ शांति मंत्र का पाठ करेंगे और उसका भावार्थ भी प्रकट करूंगा। मित्रों, ये सम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोक भोवी भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चन्ति। इसका शब्दार्थ है मित्रों कि जिसके पास विद्या तप
ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ भी नहीं है। वो मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसा एक मृग, अर्थात जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, ना ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न, वस्त्र, धन या विद्या दान नहीं किया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।